ये बात उस समय की है जब भारत अंग्रेजी गुलामी का दौर झेल रहा था। उस समय मोक्ष गुंडम विश्वेशा राय, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की कौशल के साथ आम लोगों के हित में एक ऐसी चीज बनाई जिसके लिए अंग्रेज भी उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते थे। ब्रिटिश भारत में एक रेलगाड़ी चली जा रही थी, उसमें ज्यादातर अंग्रेज सफर कर रहे थे। एक डिब्बे में एक भारतीय यात्री गंभीर मुद्रा में बैठा था। सांवले रंग का ये यात्री सफेद कपड़ों में था और वहाँ बैठे अंग्रेज उन्हें अनपढ़ समझकर मजाक उड़ा रहे थे। अचानक उसने उठकर गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। ट्रेन कुछ ही पलों में रुक गई। सभी यात्री चेन खींचने वाले को भला बुरा कह रहे थे। थोड़ी देर में गार्ड आया और सवाल किया कि ये चेन किसने खींची, और उसने जवाब दिया कि मेरा अंदाजा ये है कि यहाँ से लगभग कुछ दूर पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा, आपको कैसे पता? वो बोले कि गाड़ी की स्पीड की गति में अंतर आया है और इसकी आवाज से मुझे खतरे का आभास हो रहा है। जब गार्ड उन्हें लेकर कुछ दूर पहुँचे तो वो देखकर दंग रह गया कि वास्तव में एक जगह से रेल की पटरी के जोड़ खुले हुए हैं। ये सांवले से व्यक्ति थे मोक्ष कुंडम विश्वेशा राय। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन जब उनके पिता का निधन हो गया, परिवार आर्थिक संकट से झूल रहा था। विश्वेशा राव गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ते रहे। बीए करने के बाद उन्होंने कुछ समय शिक्षक के रूप में भी काम किया। उनकी योग्यता देखकर मैसूर सरकार ने उन्हें स्कॉलरशिप दी, जिसके बाद उन्हें पुणे के साइंस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में दाखिला मिला और प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंजीनियर बताते हैं कि उनकी योग्यता देखकर महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नासिक जिले के सहायक इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त किया। इंजीनियरिंग के रूप में विश्वेशा राय को असली रेपुटेशन मिली। पुणे के खड़कवासला बांधों की वाटर स्टोरेज स्तर में वृद्धि करने के लिए विश्वेशा राय ने ऑटोमेटिक गेट्स का उपयोग खड़कवासला बांध पर किया था। वर्ष 1909 में उन्हें मैसर राज्य का मुख्य अभिनेता नियुक्त कर दिया गया। कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष कुडुम विश्वेशा राय का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। इसका निर्माण स्वतंत्रता से करीब 40 वर्ष पहले हुआ था। वर्ष 1912 में इनको मैसूर राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया गया था। इन्होंने चंदन तेल फैक्ट्री, साबुन फैक्ट्री, धातु फैक्ट्री, क्रोम ट्रेनिंग फैक्ट्री प्रारंभ की। डैम के निर्माण के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी उनका योगदान कम नहीं था। वो उन शुरुआती लोगों में से एक थे जिन्होंने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्था में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग जैसे अनेक विभागों को आरंभ करने का सपना देखा था। वो वर्ष 1980 में मैसूर के दीवान के रूप में रिटायर हो गए थे। उन्होंने 1955 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। 101 वर्ष की आयु में भी काम करते रहने वाले विश्वेशा राय का कहना था, जंग लग जाने से बेहतर है काम करते रहना। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें।